तो है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। हाँ भाई चीतोस, कैसे हो सब भाई? उठ गया और सुबह के अभी बज रहे हैं 9:15। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। रुचा चली गई है नीचे और भाई हर रोज अभी पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि भाई दिवाली का वीक आ गया है, दिवाली का वीक आ गया है। और अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ सूरत में तो जैसे ठंड चालू हो गई है। मतलब पहले कैसे होता था कि ऐसे रूम का दरवाजा दरवाजा खोलते, टेरेस वेरेस में चक्कर लगाते थे तो ये टाइम पे गर्मी लगती थी, लेकिन नहीं, अभी आज सुबह जब मैं उठा तो गर्मी नहीं लग रही है, एकदम ठंडी ठंडी पवन चल रही है। तो मेरे को लगा चलो भाई इट्स गुड, अभी धीरे धीरे सर्दियाँ आना स्टार्ट हो गई है। और भाई सर्दियाँ मेरे को बहुत पसंद है, सर्दियाँ पसंद है, मानसून पसंद है, लेकिन भाई मेरे को गर्मी नहीं पसंद है। चिपचिप होता रहता है, पसीना होता रहता है, ठंडी कितनी भी हो अपन सहन कर सकते हैं लेकिन गर्मी सहन नहीं होती है। आप लोगों को कौन सा वेदर पसंद है वो भी ज़रूर से कमेंट करके बताना। फटाफट से चलते हैं नीचे क्योंकि भाई कल ऑफिस नहीं गया था, आज ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ है, क्या क्या बाकी है, पेंडिंग काम सब फटाफट खत्म करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देन उसके बाद दिवाली की पूजा भी करनी है और फिर सबको छुट्टियाँ भी देनी है। बस मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन का काम है, फिर 10 दिन की छुट्टी है सबके लिए। चलो फटाफट से नीचे नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्रेशन अप और जिम के कपड़े पहन लिए एज यूजुअल। बाकी नीचे झाड़ू पोछा बर्तन लंच सब बना दिया है सुबह सुबह और बज रहा है सिर्फ 10:30। जी हाँ भाई, आज मैं 15 मिनट जल्दी उठ गई तो फटाक से फूर करके सारा काम खत्म कर दिया और अभी आ रही है दिवाली, तो शायद से हम लोग आज नाश्ते भी बनाएंगे। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दिवाली में तो भाई हम गुजराती लोगों के घर में या फिर बोल लो सारे के सारे भारतीय लोगों के घर में नाश्ते तो बनते ही बनते हैं। और उसमें भी हमारी सासू मॉम है ना, वो शक्करपारे पूरी वो सब इतना ही यम्मी बनाते हैं ना, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ बनाओ ना बनाओ, शक्कर पारे जरूर बनाना। तो बोल रहे एक्चुअली मैं लास्ट ईयर विधान आया था ना, विधान को बहुत पसंद आए थे और वो पैक करके अहमदाबाद भी ले गया था, तो बोल रहा है कि विधान आने वाला है तो ही बनाऊंगी। मैंने बोला नहीं, भले ही विधान ना आए लेकिन आप बनाओ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपके शक्कर पारे। तो देखते हैं अभी आज दोपहर को नाश्ता वास्ता बनाते हैं या फिर सो जाते हैं, कल नाश्ता बनाएंगे, कुछ नक्की नहीं है भाई लोग देखो, लेकिन नाश्ते तो बनेंगे घर में, बहुत ही बढ़िया बनेंगे और बहुत ही ज्यादा बनेंगे। बाकी आजकल मेरे को यहाँ पे छोटू सा डिम्पल पड़ रहा है यार, डिम्पल है कि ये चर्बी है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। और बताओ आप लोगों की दिवाली की शॉपिंग कैसी चल रही है, आप लोगों के घर में दिवाली की साफ सफाई हो गई, कैसा है कैसा नहीं सब हमको बताओ। बाकी मैं जा रही फटाक से फूर करके नीचे और देखते हैं बाकी कुछ इधर उधर करना हो तो वो करते हैं, बाकी बैठते हैं तारक मेहता देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं। टाइम चेक कर लो, 11:05 की देर है और अपना ये जो शोपीस वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा क्लीन किया है और ये देखो हमारे जो बोलते हैं पत्रिका, लगन की पत्रिका, शादी की पत्रिका, वो मैंने इसमें रख के प्रेरक के वहाँ भिजवाई थी, ये वाला गाड़ा बोलते हैं इसको हम गुजराती में हम लोग, तो ये वाला भी रखा हुआ है। बाकी मछलियों को भी कल परसों साफ करना है, वो भी पानी गंदा हो गया है। बाकी इतना हुआ है, अभी यहाँ पे छोटे 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 प्लांट्स लाएंगे या फिर कुछ खिलौने लाएंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे। बाकी ये वाला देखो भाई ड्राई फ्रूट्स, और ये तो बहुत ही अच्छी रहती है मुखवास टाइप में, पूरी भर देते हैं 2 दिन में खाली हो जाती है। इसी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई कि भाई नए नए छोटे छोटे से पॉट्स आ गए हैं जो हमने प्रोफाइल बनाई हुई थी पूरी महादेव की वहां पे, और मम्मी जहाँ पे सो रहे थे सोफे के बाजू में कॉर्नर में, हम लोगों ने नया गुलदस्ता भी ला दिया है, स्टैंड और गुलदस्ता दोनों ही ला दिए। तो अभी मैं और मम्मी गए थे डीमार्ट, मैंने बोला ना कि कल नाश्ता बनाना है सारा घर में, तो सारा मैदा रवा और रसगुल्ले और वो सब लेने के लिए गए थे हम लोग डीमार्ट। तो अभी बज रहे हैं 4:00 हम लोग घर आए, मैं ऊपर आई क्योंकि प्रेरक ने मेरे को काम धंधे पे लगा दिया, उसने मेरे को एक स्क्रिप्ट भेजी है और बोल रहा है कि तू अभी के अभी ये बना के मुझे भेज। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को 5-10 मिनट दे दे, यही के यही बस डेमो स्क्रिप्ट ही है इसलिए यही के यही कपड़ों में डाल दूंगी, बाकी आज सोने को नहीं मिला। जिम से तो घर आ गए थे और ये देखो इसमें सब्जी है, इसमें पोहे है, इसमें रंगोली के कलर है,
और इसमें क्या लिया था हमने, हाँ सारा किराने का सामान है। और अभी मम्मी देख रहे हैं वहाँ पे, हाँ वो दूध लेने के लिए गए हैं। जिम गई थी मैं और आधे सेट करते करते वापस आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बार ना फ्लिपकार्ट के पार्सल वाले का फ़ोन आ गया, वो लोग रिटर्न लेने के लिए आए थे पार्सल, तो जल्दी आ गए जिम से आते पार्सल दिया। मम्मी बोल रहे चल मेरे साथ, कल नाश्ता बनाना है तो सब लेके आते, तो अभी उनके साथ आई। अभी जा रहा है घर, अमूल में से लास्ट स्टॉप है हमारा ये अमूल, उसके बाद जाएंगे घर। बाकी आज तो भाजी पाव का प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ घर जाके नहा धो के। नहा लिया है मैंने, फ्रेशन अप भी हो गई, अभी चलते हैं फटाक से फुर करके नीचे। मम्मी ने भाजी तो फ्राई कर दी है, भाजी तो बन गई, अभी बस मैं पाव लेके आई हूँ। खाने के टाइम पे पाव को सेक देंगे, उसके बाद खा लेंगे। बाकी कचुंबर भी मम्मी ने रेडी कर दिया है। सॉरी तो अभी मैं मिलती हूँ आपको सीधा प्रेरक है, उसके बाद तब तक मैं नीचे जाती हूँ और अपनी सीरियल देखती हूँ। कैसे हो भाई? टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, ऑफिस से आया और आप लोगों ने आगे देखा होगा कि रूचा और मम्मी गए थे शॉपिंग करने के लिए। मतलब उनकी पर्सनल शॉपिंग नहीं, दिवाली की शॉपिंग जो सीरीज होती है, फिर फ्लावर पॉट, फूलदानी बोलते हैं जिसको, वो सब लाए। बाकी क्या लाए? हाँ दिए लाए हैं, मेहंदा हाँ, और फिर जो वो अपना दिवाली में सब चिवड़ा बनता है, रंगोली के कलर्स भी लाए, रंगोली के कलर्स भी लाए। ये देखो कैसे पड़ी हुई है, ये बहुत थक गई। कल तो ऐसी भी नहीं पड़ी होगी, कल तो सीधा सो ही जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कल सब नाश्ते बनाने हैं इसके लिए, बहुत बनाने। और है ना दिवाली पे, है ना, मुझे दिवाली की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों होती है, एक तो देखो भाई छुट्टी होती है बराबर, कभी है ना रेगुलर ऑफिस जाता है बराबर, सब दोस्त लोग भी ऑफिस होते हैं। मेरे को भी दिवाली की छुट्टी मिलेगी। यस, रुचा को भी दिवाली की छुट्टी मिलेगी, सब दोस्त लोग भी इकट्ठा होंगे, वो भी मजा आएगा। और भाई अच्छा अच्छा खाना खाना भी अच्छा अच्छा बनेगा, सब चिवड़े बनेंगे, फिर तो मठिया बनेंगे, चौड़ा फली बनेगी। भाई मेरे को चौड़ा फली बहुत पसंद है, 5 पैकेट बराबर। फिर मिठाइयाँ भी इतनी अच्छी अच्छी आएगी, है ना, तो ऐसा मजा आता है कि हाँ भाई चलो छुट्टियां भी है, एकदम शांति से खाओ जितना खाना है, चाहे गला कितना भी खराब हो, हाँ घूमो सो खाओ बस यही करो। ऐसे पूरे साल की कसर जो होती है ना, वो 6-7 दिनों में निकाल दो, बस ऐसा होता है। कहीं पे घूमने जाना हो तो फिर वो बात अलग है कि चलो भाई घूमने जाने की एक्साइटमेंट अलग होती है, बट अभी इस छुट्टियों में तो घूमने तो नहीं जाना है, घूमने हमको 1 महीने बाद जाना है। वो भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर गैस कर पाओ तो गैस कर लेना, अगर रुचा ने बताया नहीं हो तो, नहीं बताया, चलो भाई नहीं बताया है तो ये भी आप लोग गैस कर लेना। बाकी तो आप लोगों का कोई प्लान बन रहा है कि नहीं बन रहा है घूमने वूमने जाने का? कौन कौन गांव जाने वाला है, क्या करने वाला है, क्या नहीं? आपके घर पे दिवाली की साफ सफाई हो गई कि नहीं? आपके घर पे कौन कौन से फरसान बनेंगे, चिवड़े बनेंगे, क्या क्या नाश्ता बनेगा, पूरियां बनेगी, शक्करपारा बनेगा? भाई हमारे घर पे तो भाई मजा ही आने वाला है। तो ये सब चीजें भी है ना थोड़ी थोड़ी यार आप लोग कमेंट करके बताया करो, तो क्या एक थोड़ी कनेक्टिविटी रहेगी। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करते रहोगे वैसे वैसे देखो कमेंट सेक्शन बंद हो गया है बराबर, पर आपके भाई ने कमेंट्स पढ़ना बंद नहीं किया है बराबर। कोई ऐसी मेरे को अच्छी सी कमेंट लगती है तो मैं उस पर रिप्लाई भी जरूर करता हूँ, तो कमेंट किया करो यार। अगर यहाँ तक आप लोग व्लॉग देखते हो एंड तक तो प्लीज कमेंट किया करो, तो अच्छा लगता है यार, एक कनेक्टिविटी रहती है कि मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, आप उसके रिप्लाई में कमेंट्स में आंसर दे रहे हो, तो एक कनेक्टिविटी होती है, तो वो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग लंबी चलती है ना, और अपने को तो बहुत लंबा जाना है, बहुत आगे तक जाना है, हैं? बाकी चलो कोई नहीं गाइस, आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।